तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटर ब्लॉग। तो भाई कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो है भाई, एक खास बाइक का रिव्यू होने वाला है जो कि भाई कावासाकी निंजा की आती है और बहुत रेयर बाइक है यार, बहुत कम देखने को मिलती है अब, पर बहुत ही काफ़ी पुराना मॉडल हो चुका है उसका। आज हम रिव्यू करेंगे, एक हमारे राइडिंग ग्रुप में एक भाई ने लिए है तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको ओनर से, और इसका रिव्यू जानेंगे क्यों लिए बाइक और रीज़न क्या था उसके पीछे लेने का, और क्या क्या इसके में आपको पावर स्पेक्स और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कैसी लुक्स है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को जल्दी देरी ना करके शुरू करते हैं। तो भाई इनके ओनर आ चुके हैं, क्या हाल है मैंडी भाई? भाई बढ़िया। तो भाई एक बार ना पहले बाइक दिखा देते हैं, बाइक अभी तक नहीं दिखाई। तो भाई ये है अपनी बाइक, एक बार नाम बता दो क्या है बाइक का? कावासाकी निंजा 250R। 250R। तो यार ये बहुत ज्यादा रेयर है यार, मैंने तो आज तक सीरियसली नहीं देखी, काफी राइड कर ली मैंने, सारी काफी तरीके की बाइक देख ली, कावासाकी की सारी देख ली, बट ये बहुत रेयर है, मैंने पहली बार देखी और आवाज भी एक नंबर की है। तो आपका क्या रीजन था ये वाले लेने के लिए, ये बताओ। यार ये मैंने बहुत पहले बचपन में देखी हुई थी बाइक। अच्छा। मुझे मतलब ये नहीं पता था बाइक कौन सा, लेकिन मुझे इतना पता था कि निंजा है, ठीक है। तो जैसे मैंने राइडिंग शुरू किया कुछ साल पहले, तो मुझे बाइक्स के बारे में नॉलेज होने लगा, तब मुझे पता चला कि ये 250 है जो मैंने देखा था कई साल पहले, और फिर मैंने इसको ऑयल एक्सपर्ट ढूंढा अभी, और मुझे एक अच्छे कंडीशन का मिला, मैंने जाके इसका देखा चलाया, समझ में आ गया बाइक और मैं ले आया इसको। यार मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा विंटेज कलेक्शन बनाने का थोड़ा सा शौक है, सो ये कह सकते हैं पहली बाइक है मेरी विंटेज कलेक्शन की जो मैंने अपने गैराज में ऐड की है। हाँ यार, एक बार मैं आपको एक बार पूरी साइड से लुक्स दिखा देता हूँ, ये विंटेज क्यों कह रहे हैं भाई, सामने से देखो भाई यार कितनी बढ़िया और ओल्ड स्कूल लुक कह सकते हो आप, वैसी आ रही है। तो भैया इसमें हैलोजन्स दे रखे हैं आगे या एलईडी इंडिकेटर वो दे रखे हैं? स्टॉक था तो इसमें हैलोजन आते थे, लेकिन अच्छा। अभी आज ही हमने इसमें प्रोजेक्टर ऐड किया है। अच्छा, थ्रो थोड़ा सा अच्छा है ना। एक बार दिखाना कैसी है मतलब प्रोजेक्टर इसका। भाई इसका प्रोजेक्टर देखो, पहले इसमें हैलोजन्स आते थे। वाह भाई यार, ये तो काफी सही विजिबिलिटी दे देगा रात को। ओ वाह वाह भाई, सही लग रही है भाई, एक नंबर यार, बहुत सही लग रही है। और बाकी इसमें आफ्टर मार्केट क्या क्या करवा रखा आपने? आफ्टर मार्केट इसमें कुछ नहीं हुआ है, आज ही प्रोजेक्टर इंस्टॉल हुआ है। और अच्छा, ये एक अच्छा हथियार भी लगा हुआ है क्या? एग्जॉस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। आज से पहले स्टॉक था, आज इसमें हमने अक्रापोविक का ये ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है, इसमें डलवाया है। तो भाई इसमें तो ये सेकंड दो सिलेंडर है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो अपनी निंजा 300 आते है ना वैसी आवाज है, उससे थोड़ी ही अलग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं आपको एक बार सुनाई देता हूँ, उससे पहले ना एक बार इसका वो दिखा देता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा ना यूनिक सा है ये, मतलब देखने को नहीं मिलता और काफी सही है, और इसके मीटर के अंदर भी देख सकते हो आप कावासाकी लिख रखा है, और यहाँ पर भी ये जो अपना स्पीडोमीटर हो गया ये लेफ्ट साइड ही आरपीएम, भाई आरपीएम से ज्यादा है इसका मेन चीज होता है, जो इसकी खासियत है खतरनाक आरपीएम 15,000 आरपीएम तक जाती है। अच्छा, आधे आरपीएम 8-9 आरपीएम के बाद तो ये ऐसे खतरनाक तरीके से घूमती है, क्योंकि इसका जो पावर है वो हाई आरपीएम पे जाकर पकड़ता है। दूसरा इसका ये देखिए, इसका जो एक तो नीचे ट्रिप मीटर है, हाँ जी, ठीक है। और ये बाइक कितना चला हुआ है, ये पूरा जो पूरा ओल्ड स्कूल जो लुक है वो है, हाँ जी, ठीक है, जो पहले रेयर बाइक्स में जो आता था वही बात भाई। ये बहुत यूनिक सा लगा मेरे को मीटर, और 15,000 आरपीएम भाई बहुत ज्यादा होते हैं यार, जो नॉर्मल आजकल बाइक्स आ रही है वो कितने 11,000-12,000 आरपीएम तक, सिंगल सिलेंडर की बात करें तो 11,000 मैक्सिमम 12,000 तक खत्म हो जा रहा है, और इवन जो अगर हम जैसे निंजा 650 आती है, हाँ जी, तो उसमें जाता 13,000 आरपीएम तक, लेकिन ये खतरनाक था 15,000 भाई, 15,000 आरपीएम 250 सीसी बाइक के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक बार अभी तो नहीं, मतलब आगे आने वाली वीडियो में एक राइड रिव्यू में भी दिखाऊंगा कि 15,000 आरपीएम मतलब होता क्या है इतना। और अगर आप YouTube पे देखोगे तो लोगों ने इसको आई थिंक 200 भी टच कर दिया है, मतलब 190 तक जाती है बाइक, 190 तक यार, 250 सीसी अल्टीमेट यार, इसको 200 भी टच किया है लोगों, हाँ। वीडियोस में आपको मिल जाएगा YouTube। और मेरे को ना इसका कलर जैसे नॉर्मल कावासाकी आती है उससे थोड़ा यूनिक सा लगा, ये ग्रीन कलर ना थोड़ा अलग सा लुक दे रहा है, ये कौन सा मतलब कलर है? एक्चुअली ये कावासाकी का पेट कलर है, ठीक है, जो अच्छा, जो उनका सिग्नेचर कलर है ग्रीन, हाँ। तो वो हर साल उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा कलर में शेड में डिफरेंस करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आता था वो यही कलर था कावासाकी का, हाँ, ये थोड़ा बिल्कुल पैरेट ग्रीन है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार ये वाला कलर। और यहाँ पर आपको ये निंजा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर देखो Z250R भाई कसम से बहुत अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर कावासाकी भाई बहुत सही लग रही है यार आपकी बाइक, और ये पीछे पिलियन के लिए भी यार कंफर्टेबल लग रही है काफी, चौड़ी सीट है, हाँ, ये सीट्स कंफर्टेबल है, फ्रंट वाले कंफर्टेबल है इसका, इवन इसका ग्राउंड क्लीयरेंस का थोड़ा इशू है, ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा कम है, लेकिन हाँ जी बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब और इसका पोस्चर है ना वो भी थोड़ा सही है, मतलब ज्यादा झुकाव वाला नहीं है, अपराइट है, जो स्पोर्ट्स टूरर का रहता है वैसा कुछ है,
ये देखो नहीं करेगा, ये जो हैंडल है ना मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ, थोड़ा सा ऊंचा है और इससे ना आपका मतलब पोस्टर काफी सही रहता है, लॉन्ग ट्रिप पे आपको काफी हेल्प करेगा ये। लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं, आपका बैक पेन नहीं होगा। और इसके मिरर्स हैं वो भी काफी सही है यार, अलग स्टाइल है इसका मिरर्स का भी। कंप्लीट स्टॉक है, हाँ जी, आप 2012 के हिसाब से शेप है मेरा का बहुत बहुत यूनिक है, बहुत प्यारा है। एक बार मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे ऑन होती है। देखो भाई लाइटिंग्स देखो, यहाँ पर न्यूट्रल का साइन दिखा देते हैं अपने इंजन का, और ये अपना जो टेम्परेचर ठीक है, इंजन टेम्परेचर। एक बार इसकी साउंड सुना देते हैं भाई, एक्रापोविक कॉपी है बट इसमें डीबी किलर भी लगा हुआ है, डीबी किलर के साथ भी एक बार साउंड देखते हैं कैसी है। भाई 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 बहुत लाउड है यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी, और वो भी स्लिप ऑन है ना ये। हाँ, स्लिप ऑन है सिर्फ, और इसमें क्रैकल साउंड बहुत ज्यादा आता है भाई। स्लिप ऑन के साथ एक्रापोविक और डीबी किलर के साथ है अभी तो ये, बहुत बहुत ऐसी प्रोजेक्ट में तो ये पता नहीं क्या कर देगा भाई। हाँ, वो इसमें डीबी किलर नहीं है वो तो, हाँ। मतलब आप सुन नहीं पाओगे इतना लाउड हो जाएगा ये पुरानी बाइक्स में ना, ये काफी लाउड होती थी एक्चुअली। हाँ, ना मतलब जो BS3 तक जो मॉडल था उसमें क्या था, कैटली कन्वर्टर नहीं था तो आपका फ्री फ्लो होता था, थोड़ा सा एग्जॉस्ट का साउंड थोड़ा हैवी होता था। हाँ, बहुत ज्यादा हैवी है यार। और इसके अगर आप पावर स्पेक्स बता सको थोड़े बहुत कि क्या पावर एग्जैक्टली, मुझे भी ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में इतना देखा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा नहीं। 37-38 BHP के अराउंड इसका जो है पावर है, और टॉर्क अराउंड 26-27 के आसपास इसका टॉर्क मिलेगा। ओके ओके, करेक्ट मैं भी नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिए इसका। अच्छा, मैं आपको या तो एक वो लगा दूंगा यहाँ पर चार्ट सा, जिसमें आप देख सकोगे इसकी जो भी पावर स्पेक्स है। एक्चुअली क्या है कि पुरानी बाइक है, सो काफी वेबसाइट्स पे अलग अलग इसके बारे में डिटेल्स है, तो किसी पे कुछ है, तो हम उसको एक्यूरेट नहीं कह सकते कि कितना पावर रहेगा। मे बी कावासाकी के ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको इसका एक्यूरेट चीजें मिल जाएंगी। इसका पिकअप तो काफी, वैसे आपको कैसा लगा कि पिकअप में जैसे और 250 cc बाइक है उनके कंपैरिजन, जो आज के दिन जो बाइक्स आ रही है उनका पिकअप क्या है, उनका लो एंड पे उनका जो RPM जो पावर जनरेट करता है, लेकिन इसका हाई एंड पे RPM पावर जनरेट करेगा, तो इसका पिकअप इतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसका हाई एंड और टॉप स्पीड बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। आपका 7-8 RPM के बाद ये जो खतरनाक स्पीड पकड़ती है, ठीक है, उसमें फिर मतलब और कोई बाइक इसके कंपैरिजन में है नहीं भाई। सीरियसली मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इसका। पीछे बैक टायर की बात करें तो नॉर्मल 140 ही लग रहा है मेरे को। नहीं, ये 150 है फिलहाल, लेकिन इसमें कंपनी की तरफ से आई थिंक 130 तक आता है। अच्छा, 150 है ये। हाँ, फिलहाल 150 ज्यादा हुआ इसमें भाई। सही लग रहा है यार, आपको कैसी लगी एक बार जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। देखो भाई रात हो गई है वीडियो शूट करते करते, तो आपको वीडियो क्वालिटी खराब ना आए, तो इसलिए हम जल्दी से वीडियो को खत्म कर देते हैं यहाँ पर। और आपको इसके बाद काफी अच्छी अच्छी वीडियोज इससे रिलेटेड एक दो देखने को मिल जाएगी, राइड रिव्यू। तो भाई आप मतलब एक मेन बात इसका, आपको ऑन रोड मतलब कितने की पड़ गई थी ये? हाँ, मेरे को फिलहाल अगर आप पुराने की बात करें, जो मैंने सब उसमें काम करवाया सब, अच्छा, तो मेरे को मतलब 1,05,000 1,10,000 के आसपास। यार बहुत बढ़िया यार, 1,05,000 के अराउंड तो यार काफी अच्छी बाइक मिल गई है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको यार। ठीक है भाई, तो चलो फिर अपनी वीडियो को जल्दी यहीं पर एंड कर देते हैं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, निंजा 250 की, काफ़ी रेयर है यार यहाँ पर, मतलब इजीली देखने को मिलती नहीं, तो यही था अपनी आज की वीडियो में। बाकी बने रहना भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।